मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुए हार्दिक पांड्या के हाई प्रोफाइल ट्रेड के बाद कप्तानी की अटकलें तेज हो गई थीं, लेकिन आखिरकार एमआई ने शुक्रवार को आधिकारिक ऐलान कर दिया। हार्दिक को मुंबई का नया कप्तान बनाना कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक रोहित शर्मा की जगह ली है। लेकिन जिस चीज ने सबको चौंका दिया वो था जिस तरह से रोहित के कप्तानी करियर पर पर्दा डाला गया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐलान पहले से ही तय था। 20 दिन पहले ही एमआई ने गुजरात के साथ एक ओनल कैश डील में हार्दिक की वापसी की घोषणा की थी। एक समय फ्रेंचाइजी का एक अहम हिस्सा रहे इस स्टार ऑलराउंडर को 2022 में रिलीज कर दिया गया था, जब गुजरात ने उन्हें अपना कप्तान बनाया था। हार्दिक ने डेब्यूटेंट्स को उसी साल ट्रॉफी दिलाई और फिर 2023 में रनर अप रहे। राष्ट्रीय दैनिक के करीबी सूत्रों के मुताबिक हार्दिक ने यह शर्त रखी थी कि वो मुंबई में वापसी सिर्फ तभी करेंगे अगर उन्हें कप्तानी की भी पेशकश की जाएगी। 30 वर्षीय क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी के सामने ये बात रखी, जिसके बाद विचार विमर्श करने के बाद फ्रेंचाइजी कप्तानी वाले क्लास पर सहमत हो गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आने वाले सीजन में हार्दिक के नेतृत्व में खेलने के लिए सहमत होने से पहले रोहित को मुंबई इंडियंस के रोड मैप और कप्तानी में तत्काल बदलाव की जरूरत के बारे में कई बैठकों के जरिए बताया गया था। फ्रेंचाइजी द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस रिलीज में एमआई के ग्लोबल हेड ओन ऑफ परफॉर्मेंस महिला जयवर्धने ने कहा, यह भविष्य के लिए तैयार होने के एमआई के दर्शन और विरासत के निर्माण का हिस्सा है। मुंबई इंडियंस को सचिन से हरभजन, रिकी से रोहित तक असाधारण नेतृत्व का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने तत्कालिक सफलता में योगदान देते हुए हमेशा भविष्य के लिए टीम को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया है। इसी दर्शन को ध्यान में रखते हुए हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालेंगे। प्रेस रिलीज में आगे ये भी कहा गया है, हम रोहित शर्मा के असाधारण नेतृत्व के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। 2013 से मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उनका कार्यकाल असाधारण रहा है। उनके नेतृत्व ने न सिर्फ टीम को बेजोड़ सफलता दिलाई है, बल्कि उन्हें आईपीएल के इतिहास के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक के रूप में भी स्थापित किया है। हार्दिक के मुंबई की कप्तानी संभालने की इस बड़ी घोषणा के साथ ही रोहित के नेतृत्व में फ्रेंचाइजी के लिए एक शानदार दौर का अंत हो गया है। 2013 सीजन के बीच में जब रिकी पोंटिंग ने अपने बल्लेबाजी के खराब प्रदर्शन के कारण कप्तानी छोड़ने का कठिन फैसला लिया था, तब रोहित ने उनकी जगह ली थी और उसके बाद एमआई ने कभी पीछे